आप उरमाड़ा के तो नहीं हो? जी हाँ, उरमाड़ा में रहता हूँ। अच्छा, उरमाड़ा में रहती हूँ? हाँ, पहले आपको कभी नहीं देखा है। जी पहचाना नहीं, समीर हूँ, समीर नासिर, यही तहसीलपाड़ा में रह रहा हूँ। अपना समीर, समीर नासिर। अच्छा, समीर नासिर तुम हो? तो बेटा क्या हुआ है, कैरियर तो है सब ना, चंगो बल्लो है ना सब कुछ, तो बेटा ये दाढ़ी क्यों है? पता नहीं हालात खराब है यहाँ के, ये दाढ़ी रखना शुरू किया है। नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस शौक से रख रहा हूँ। नहीं नहीं पता है मुझे किस लिए रखा है बेटा, सब कुछ पता है। अगर तुम कह रहे हो शौक से रखा है, लेकिन शौक से रखा है फिर भी ठीक है, लेकिन मुझे पता है किस लिए रखा है। तो कटवा लो भाई, बड़ा हूँ, राय दे रहा हूँ, लेना नहीं लेना आपके ऊपर, मगर मेरी मानो तो कटवा लो, कटवा लो भाई, आज ही जाके कटवा लो, मेरे मैं तो कहता हूँ अभी जाके जाके कटवा लो। नहीं नहीं शौक से रख रहे हो, पता है मुझे शौक से रख रहे हो, वो तो मुझे पता है किस लिए रख रहे हो, मगर कटवा लो ठीक है ना, बड़ा हूँ दे रहा हूँ, कटवा लो, दाढ़ी वगैरह कटवा लो, ठीक है भाई, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ सईद फरोश और आप देख रहे हैं सनी मीर ब्लॉग्स। तो सबसे पहले आपका भाई माजरत खां है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मैं रमज़ान वाला ब्लॉग डालूंगा, तो रमज़ान आपका पूरा गुजर गया तो मैं नहीं डाल पाया, तो सबसे पहले सॉरी उसके लिए। तो यार क्या सीन था पता है आपको, तो बीच में मैं गया तुरबत, जब मैं तुरबत गया तो वहाँ पर भी ब्लॉग वगैरह कोई शूट नहीं कर पाया, उसके लिए भी सॉरी। तो जब मैं वापस आया तो आपके रमज़ान ख़त्म होने को बस 2 दिन बाकी थे, तो 2 दिन, एक दिन तो पूरा गया नींद में, तो कोई ब्लॉग शूट नहीं हो पाया। तो अगले दिन जब मैं उठा तो आदमी एकदम बलूच में कहते हैं जंत पंद, एकदम जंत पंद हो गया था, तो नहीं कर पाया। तो इंशाल्लाह जब तक सांसें चल रही हैं चलते रहेंगे इंशाल्लाह अगले रमज़ान तक, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, तो आपका भाई बना लेगा, बोल रहा है बना लेगा तो बना लेगा। तो यार आज का आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ लिया होगा किस बारे में मैं आके यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो मुझे पता है मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है जो आप लोगों ने देखी होगी, तो काम चला लो, सीख रहे हैं अभी आपका भाई। तो क्या सीन है, तो मुझसे लोग कहते समीर भाई क्या रीज़न है आप अपना दाढ़ी बड़ा कर रहे हो, क्या रीज़न है इस लुक में आने का, क्या रीज़न है जंगली बनने पड़ रहे हो? तो मुझे तो वैसे अच्छा लगता है, पता नहीं लोगों को क्यों अच्छी लग रहा है। तो भाई मेरा रीज़न ये है कि यार बचपन से ख्वाहिश था, बचपन से तो नहीं, जब से दाढ़ी निकलना शुरू हुआ है, 1 साल हुआ है तो दाढ़ी निकलना सही से शुरू हुआ है, तो ख्वाहिश था हमेशा दाढ़ी रखने का, इस लोक में आने का, जंगली जो लोग कह रहे हैं जंगली लोग के, तो इस लोक में आने का, तो लेकिन आ नहीं पाए क्योंकि आपका भाई कॉलेज में पढ़ रहा था, तो कॉलेज में ये लोग नहीं चलेगा। आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट में आप ऐसे बन के नहीं जा सकते। तो आपका भाई, आप लोगों को पता ही होगा आपके भाई को अभी स्कूल से निकाल दिया गया है, ये नहीं कि आपका भाई स्टूडेंट नहीं रह चुका है, स्टूडेंट अभी तक है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, जहाँ पे भी पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह तालीम ले रहा है। तो लेकिन उस स्कूल के रूल रेगुलेशन कुछ आर्ट थे, तो इसलिए वहाँ पर ये लोग बिल्कुल नहीं चलेगा। तो कारण क्या है इस दाढ़ी के पीछे, कोई और कारण कुछ भी नहीं है, लाजमी नहीं कोई अगर दाढ़ी रख रहा है तो उसके पीछे उसका दिल टूटा हुआ है या कुछ और मसला है, लड़की का मसला है या कुछ और मसला है, कोई मसला नहीं, शौक से रख रहा हूँ, बस रख रहा हूँ, ये लोग मुझे पसंद है इसलिए रख रहा हूँ, और कुछ रीज़न नहीं है। तो इसके पीछे यही कहानी है और कोई स्टोरी नहीं, तो यही स्टोरी इंशाल्लाह आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई मोटिवेट रहेगा, ब्लॉग डालता जाएगा। तो यहाँ पे कुछ मसले मसाइल चल रहे हैं, वाईफाई भी काट दिया चुका है हमारा, तो इसलिए ब्लॉग सही से अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोशिश यही करूँगा कि ब्लॉग बनाऊँ डालूँ, जितना हो सके उतना डालूँ। अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग में कुछ चाहिए या कुछ मेरी कमी आप लोगों को नज़र आ रही है तो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कहीं पे भी आ जाएगा, जाके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज लें या फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, कुछ भी नहीं होगा इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से, आपका एक फॉलोइंग बढ़ जाएगा और मेरा एक फॉलोअर बढ़ जाएगा, बस इतना होगा, तो इससे कुछ भी नहीं जाएगा। तो जाके फॉलो कर लें, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ लें, आपका भाई आपको बता देगा। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, आपको पता है अभी टाइम कितना हो रहा है, जो ये पूरा शूट मैंने अभी मुकम्मल किए आज ही किए, रात हो गई है,
एक बीस तो दो, मेरी उर्दू सही नहीं है, 1:22 है वो रहा है, तो इसलिए तो पूरा शूट मैंने आज ही मुकम्मल किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारे टी शर्ट वगैरह मेरे पड़े हैं नीचे, उनको पहन के रोल किया, ये रहे हैं ये सारे टी शर्ट पड़े हैं। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे आप लोग क्या पसंद है, क्या मैं लाऊं, तो इंशाल्लाह लाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा हूं। तो एक न्यू सॉन्ग के ऊपर भी आपका भाई काम कर रहा है, तो उसको भी इंशाल्लाह जल्दी बनाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा। तो फिलहाल अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ज़रूर भूलिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, और लाइक शेयर कमेंट बाकी हम लोग समझदार हो कर लोगे, मुझे पता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई ने ज़िंदगी में पहली दफ़ा डायो पे सफ़र किए, और मारो तुरबत की है, ये नहीं की डायो में सफ़र की है, लोकल डायवो पे उर्माड़ा के डायवो पे जो उषा वगैरह की ट्रांसपोर्ट वगैरह चलाती हैं, जो लोकल बंदे हैं यहाँ के, तो उसमें पहली दफ़ा, तो शूट नहीं बना पाया, माजरत चाहता हूँ, लेकिन उषा जिंदाबाद।